नमस्कार बच्चों, क्लास 10 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 11 जो कि है रचनाएं, वह शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप इस अध्याय के लिए अपने पास पेंसिल, रबर, रूलर, प्रकार डी ये सारा सामान तैयार ही रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम एक उदाहरण के जरिए कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है, देखिए, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए और AB पर एक बिंदु P अंकित कीजिए ताकि AP का PB के साथ अनुपात हो 2:1। तो देखिए बच्चों, इसकी हम एक रफ फिगर बनाकर देखते हैं पहले, यानी कि इस प्रकार से हमारी एक लाइन होगी AB और इस पर कहीं पर भी एक बिंदु P आएगा ताकि AP अनुपात PB जो है वह 2:1 हो और AB की लंबाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। मैं ये रचना जो है वह स्केच पेन से कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से वीडियो में दिखाई दे, क्योंकि पेंसिल से करूंगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, परंतु बच्चों आपने ये सारा काम पेंसिल के साथ ही करना है। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम स्केल लेंगे और हमें कितना बोला गया है, 6 सेंटीमीटर। तो ये है 0। देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। यह है 0, यहां एक बिंदु लगाएंगे और 6 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, यह है 6 सेंटीमीटर का मार्क। तो हम एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, यानी कि एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे और जिसका नाम है AB। आशा करता हूं इतना तो आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस 6 सेंटीमीटर AB में से एक बिंदु लिया A। A बिंदु पर हमने कोई भी एक न्यून कोण बनाना है, कोई भी एक न्यून कोण बनाना है। आप जानते हैं न्यून कोण होता है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इससे कम कहीं भी किसी भी दिशा में। तो इसके लिए आप D का प्रयोग करके 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री बना सकते हैं, या आप केवल स्केल के साथ ही एक न्यून कोण इस प्रकार से बनाएंगे। अब ये कितने भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन है ये न्यून कोण क्योंकि यह 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या था, हमने क्या किया था, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया AB, उसके बाद उस पर एक न्यून कोण खींचा है। इस न्यून कोण, इस किरण का नाम हम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं X या Y या Z, कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए, हमें अनुपात दिया गया है 2:1। इन दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे, जो भी यहां अनुपात दिया है उसकी इन दो संख्याओं को हम आपस में प्लस कर देंगे। 2 + 1 कितना आ गया, 3। इस 3 नंबर को अब हमने क्या करना है, हम प्रकार लेंगे। इसमें मैंने स्केच फंसाया है, आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, जितनी मर्जी त्रिज्या की ये प्रकार खोल लो, कोशिश करना थोड़ी ही खोलनी है, ज्यादा बड़ा नहीं खोलना, थोड़ी सी प्रकार खोलनी है, इतनी भी नहीं, इतनी सी ही प्रकार खोलनी है अपने, थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी ही प्रकार खोलेंगे हम। A बिंदु पर पिन रखकर या इसको केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, और कितनी चापे लगाएंगे, देखो 2 + 1 कितना आया, 3। तो हमें इस AX पर 3 बराबर चापे लगानी है। बराबर चापों का मतलब ये प्रकार हिलानी नहीं है, जितनी एक बार खोली उतनी ही खुली रखकर ये लग गई पहली चाप। जहां इसने AX को काटा उस बिंदु पर अब पिन रखेंगे तो दूसरी चाप, और जहां इसने X को काटा उस बिंदु पर फिर से पिन रखेंगे तो तीसरी चाप। तो आप देख रहे हैं हमने बराबर दूरी पर 3 चापे लगाई हैं। आइए हम इनका नाम लिखते हैं। पहले का नाम लिख दो A1,
दूसरे का नाम लिख दो ए टू, तीसरे का नाम लिख दो ए थ्री। बच्चों तीन क्यों लगाई, ज्यादा चापे क्यों नहीं लगाई या कम चापे क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अनुपात जो था वो था 2:1 और 2 को 1 में प्लस करके आया था 3, इसलिए यहां लगी है 3 चापे। यदि अनुपात ज्यादा होता तो उनका जोड़ ज्यादा आता तो हम उतनी ही ज्यादा चापे लगाते, तो उस हिसाब से यह एक्स रे का उतनी ही हम लंबी बनाते। आशा करता हूं ये आपको समझ आई होगी बात। अब हम बच्चों अगला स्टेप देखेंगे। अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस बी बिंदु को आखिरी जो बिंदु आया था, पहली चाप, दूसरी चाप, तीसरी, आखिरी चाप का यह जो बिंदु है ए थ्री, इसके साथ बी बिंदु को मिलाएंगे। हम इसके लिए स्केल का फुट्टे का प्रयोग करेंगे। इस बिंदु से हमने बी बिंदु को मिलाना है, तो इस प्रकार से देखिए हमने ए थ्री बिंदु के साथ बी को मिला दिया। अब बच्चों ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर, जो आपने अनुपात है वह है 2:1, इसमें पहली संख्या कौन सी है 2, तो यहां से आप A से शुरू होंगे, दूसरे बिंदु पर जाएंगे 1 2, यह है दूसरा बिंदु। अब हम बच्चों ध्यान से देखना 2 कहां से आया था, पहले लिखा है 2, तो दूसरा बिंदु देखेंगे, पहला बिंदु यह है A1, दूसरा बिंदु है A2। अब हमने क्या करना है, A2 पर इस ये जो हमने पहले रेखा बनाई इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे इस प्रकार से। अब ये समांतर रेखा खींचने का जो विधि है ये आपने पिछली क्लासों में सीखी हुई है, हम इसी विधि का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। मैं इस कागज को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों प्रकार लेंगे, थोड़ी सी त्रिज्या खोलेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी, जितनी कम से कम हो सके उतनी त्रिज्या खोलेंगे हम। इस बिंदु पर रखेंगे पिन और एक चाप लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ये चाप कहां से कहां तक होगी, इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये पूरी चाप, इतनी ही त्रिज्या के साथ आपने, हमने कहा था दूसरे बिंदु पर बनाना है इस बिंदु पर, इतनी ही त्रिज्या के साथ एक यहां भी चाप लगा देंगे। अब यहां तो लाइन तक लगानी थी, यहां तो कोई लाइन नहीं है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना दो, ठीक है बच्चों। अब इस बात को ध्यान से देखिए, हमने अपनी मर्जी से थोड़ी त्रिज्या लेकर प्रकार खोली, एक चाप लगाई, इतने ही बराबर चाप हमने यहां भी लगाई। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पहली चाप है ये दो बिंदुओं पर टच हो रही है, एक AX पर यहां और A3B पर यहां, है ना, देखो ये दो बिंदु है ना बेटा 1 2, इन दो बिंदुओं की दूरी हम प्रकार से मापेंगे। देखो कैसे, यहां पे प्रकार की और इसको खोल के देखियो कि कितनी खुलती है, ये आ गई इसकी दूरी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इसको प्रकार से मापा, जितना ये है यहां से प्रकार उठाओ, इस वाली पॉइंट पर रखो और एक चाप लगाओ, ठीक है बच्चों। जितनी दूर ये थे ना दोनों बिंदु एक दूसरे से, उतनी ही दूर हमने इन बिंदुओं को रखा और यहां एक हमें बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस A2 बिंदु से ये जो दोनों चापे यहां मिल रही हैं, ये जो दोनों चापे यहां मिल रही हैं, इस बिंदु को अंकित करके A2 से इसको जोड़कर आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो आपने देखा इस विधि से A3B के समांतर A2 से एक हमें रेखा प्राप्त हुई है, रेखाखंड प्राप्त हुआ जो A3B के समांतर है। यह बिंदु जहां आपके ए बी को काट रहा है वह बिंदु है पी, वह बिंदु है पी। तो हमने देखा था ना ये कि हमें पी बिंदु कहां चाहिए, 2:1 में भाग करता, तो वह हमने इस विधि से प्राप्त किया है। तो आइए अब हम एक बार एपी को माप कर देखते हैं। देखिए एपी आया है हमारे पास 0 और ये 4 तक, यानी 4 सेंटीमीटर, तो AP बराबर है 4 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था, हमने इस विधि से AP निकाल दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये है विधि जिससे कि हम
रचना के थ्रू एक रेखाखंड को 2:1, 1:2, 2:3, 3:4 जो भी अनुपात हमें दिया हो उस अनुपात में हम बांट सकते हैं। तो हम कहेंगे यह पी बिंदु एबी को 2:1 के अनुपात में बांट रहा है। इसके साथ ही बच्चों आपने इन सभी के स्टेप्स भी लिखने होते हैं, यानी कि रचना के स्टेप्स आपने लिखने होते हैं। तो ये मैं स्टेप्स आपको एक बार बता दूंगा, अगले वाले सभी वीडियोस में ये स्टेप्स आप स्वयं लिखेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेखाखंड एबी बराबर कितने सेंटीमीटर लिया था, 6 सेंटीमीटर बनाओ या खींचो। इसके बाद ए पर एक न्यून कोण जिसका नाम है बी ए एक्स बनाओ और अनुपात था 2:1 इसलिए 2+1=3 बराबर चापे लगाओ ताकि AA1 बराबर होगा A1A2 के और A1A2 बराबर होगा A2A3 के, यानी ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। A1 A2 A3 ये सिर्फ बिंदुओं के नाम है और कुछ भी नहीं है बेटा। अब क्या किया था उसके बाद बच्चों, याद है आपको, उसके बाद हमने A3 को B से ज्वाइन किया था। A3 B को मिलाओ। अगला स्टेप क्या था, हमने A2 पर एक रेखाखंड A3 B के समांतर लिया था, तो A2 पर A3 B के समांतर रेखा खींचो जो कि जो हमारी पहली लाइन है AB उसको P बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब P बिंदु हमें प्राप्त हो गया है, P बिंदु AB को 2:1 में विभाजित करता है। दो रेशो एक अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद हमने यदि एपी मापना है तो एपी को मापो, ठीक है, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप रचनाओं के स्टेप्स लिख सकते हैं। आशा करता हूं इस एक्सरसाइज को, 11.1 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप इस एक उदाहरण के वीडियो को बहुत अच्छे से, मैंने बहुत डिटेल में बड़ा लंबा वीडियो बनाया है सिर्फ इसीलिए ताकि आप उदाहरण के जरिए आगे आने वाले प्रश्नों को देख सको। तो आशा करता हूं इस उदाहरण के जरिए आप एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको रफ वर्क में समझा देता हूं कि हमें असल में इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो बच्चों, हमें सबसे पहले एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या होगी कितनी, 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है, इस बिंदु से इस वृत्त पर इस प्रकार से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है बच्चों। असली प्रश्न ये है, एक वृत्त बनाना है,
इससे 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है, उस बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। लेकिन कैसे खींचनी है वो इतना आसान नहीं है, बस इसको आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस वृत्त की त्रिज्या यहां पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा ये है 0, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसकी एक त्रिज्या हमने बनाई, अब इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त बनाएंगे। तो ये मैंने ली है प्रकार और इसे केंद्र मानकर मैं एक वृत्त बना रहा हूं। तो इस प्रकार से ये कागज को घुमाते घुमाते हमने यह एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से इस तरफ को 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु लेना है, 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये देखिए ये है वृत्त का केंद्र O, इस केंद्र का नाम है O, इससे 10 सेंटीमीटर दूर। तो मेरे को पास इधर को जगह नहीं है, नीचे को जगह, तो मैंने नीचे को 10 सेंटीमीटर दूर, देखिए ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 पर एक बिंदु लगाकर ये हमने एक बिंदु लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। इस बिंदु का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड पी ए बी जो मर्जी, तो मैंने इसको पी नाम दिया है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये याद रहेगा हमने वृत्त का केंद्र बनाया है सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो एक्स, यानी ओ एक्स वृत्त का त्रिज्या थी। फिर उससे हमने वृत्त बनाया, उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया है पी, ठीक है बच्चों। आइए अब हम देखें कि इस पी बिंदु से इस वृत्त पर हमें दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, वो कैसे खींचनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ओ पी का लंब समद्विभाजक बनाएंगे, आपको याद होगा जब हमने लंब समद्विभाजक बनाया था तो कैसे बनाया था, उसके लिए हमने लंब समद्विभाजक के लिए हम पी पर प्रकार का केंद्र लेंगे, आधी से ज्यादा प्रकार को लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे, इस प्रकार से इतनी ही त्रिज्या रखनी है, इसको हिलाना नहीं है। और पहले पी पर रखा था, अब रखेंगे ओ पर, क्योंकि ओ पी का लंब समद्विभाजक, यानी ऐसी रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांटती हो, उसको लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो अब मैंने ए पर केंद्र रखा और ये जो चाप है इसी को फिर से इस प्रकार से काटना, ताकि ये दोनों बिंदुओं को काटे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केल की मदद से ये दोनों चापे जहां जिन बिंदुओं पर मीट हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को मीट कर रही हैं, उनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लंब समद्विभाजक बनाने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए इसको मैंने डॉटेड बनाया है इस प्रकार से। तो ये जो है ये यहां पर 90 डिग्री का केंद्र बनाएंगे, ये जो बिंदु आया है इसका नाम रख दो M, ये जो M है यह OP का लंब समद्विभाजक है, यानी सॉरी ये मध्य बिंदु है, ये लाइन लंब समद्विभाजक है, M जो है यह मध्य बिंदु है। अब आ गया अगला काम, ठीक है बच्चों, मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूं अभी तक हमने क्या किया है, सो दैट आपको ज्यादा मुश्किल ना लगे। देखो सबसे पहले लिखा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो हमने ये सबसे पहले एक लाइन खींची थी जो कि 6 सेंटीमीटर की है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको O को केंद्र मानकर और हमने है वृत्त खींचा था 6 सेंटीमीटर का, ये तो आप छोटी कक्षाओं में अपनाते आए हैं। इसके बाद वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु लिया था P, ठीक है, और ये हमने लिया था 10 सेंटीमीटर दूर, OP 10 सेंटीमीटर था। उसके बाद हमने क्या किया,
ओपी का लंब समद्विभाजक बनाया। तो आधी से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर एक नीचे और इसी उतनी ही त्रिज्या के साथ ओ से भी उन चापों को काटा। जिन दो बिंदुओं पर वह मिलती थी उनको फुट्टे के साथ हमने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, जिससे कि हमें यह बिंदु एम प्राप्त हुआ है। यह बिंदु एम हमें प्राप्त हुआ। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो मैं अलग अलग कलर्स का यूज कर रहा हूँ सो देट आपको हर एक चीज अलग दिखाई दे, परंतु आपने सारी सारी चीज पेंसिल से ही करनी है। अब हमने क्या करना है बच्चों, एम को केंद्र मानना है, यानी प्रकार लेनी है, प्रकार का केंद्र एम को मानना है। प्रकार कितनी खोलनी है, त्रिज्या कितनी लेनी है, एम से या तो ओ तक या पी तक, ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि एम इसका मध्य बिंदु हमने अभी निकाला। तो हम प्रकार को थोड़ा खोलेंगे और जितना ओ है इतनी हम त्रिज्या ले लेंगे और एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये एक और वृत्त बन गया ना, दो वृत्त बन के कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने अलग अलग कलर के वृत्त बनाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका पहले वाला वृत्त है, मेन वृत्त ये वाला है आपका, है ना। ये हमें वृत्त क्यों चाहिए अभी पता चल जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे, ये जो अभी मैंने नया वृत्त बनाया है कैसे बनाया था बच्चों, एम को केंद्र माना, एम पर प्रकार की पिन रखी और त्रिज्या कितनी खोली, एम ओ या एम पी दोनों बराबर है, इतनी त्रिज्या खोली और एक वृत्त बना दिया जो कि P बिंदु को भी काटेगा और O बिंदु को भी काटेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हम ध्यान से देखें, यह जो मेरा पहले वाला वृत्त था, बड़े वाला सबसे पहले जो वृत्त बनाया था, ये ऑरेंज वाला वृत्त इस पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर मिल रहा है। देखो कहां मिल रहा है, ये दोनों सर्कल्स है ना, ये दोनों सर्कल्स यहां आके मिल रहे हैं, एक बिंदु ले लो ये वाला। इसी प्रकार से ये दोनों वृत्त यहां आकर भी मिल रहे हैं, एक वृत्त एक बिंदु ले लो ये वाला। ठीक है बच्चों, इस बिंदु का नाम लिख दो ए, इस बिंदु का नाम लिख दो बी। अब हम प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, किससे, पी बिंदु से। पी से ए को मिला दो इस प्रकार और पी से बी को भी मिला दो इस प्रकार। तो आप देखोगे ये जो पी ए लाइन है यह आपके पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार से ये जो विद लाइन है पी बी, यह भी पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है एक सर्कल के बाहर किसी बिंदु से उस सर्कल पर स्पर्श रेखाएं खींचने का। अब अगला काम है हमें दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां मापनी है। अब मेरा एक क्वेश्चन में आ गया, कोई बात नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन से थोड़ा नीचे ही बनाना है स्पेस रख के। तो देखिए एपी को मापिए, तो ये आई है 8 सेंटीमीटर और बीपी को मापिए, तो बीपी भी आया है 8। एक सेकेंड, ये आ रहा है 8, 8 से एक ज्यादा, 8.1 सेंटीमीटर। एपी भी है 8.1 और पीबी भी है 8.1। तो हम यहां लिख देंगे एपी बराबर 8.1 सेंटीमीटर और बीपी बराबर 8.1 सेंटीमीटर। तो इससे हमें यह भी पता चला कि एक वृत्त से बाहर किसी बिंदु से यदि इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं एक ही बिंदु से, तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसके साथ साथ ही आपने इनके सारे स्टेप्स भी लिखने हैं। मैं एक बार आपको बता दूंगा स्टेप्स अभी बोल के, जो मैं अब बोलूंगा वो आपने ऐसे का ऐसा ही लिखना है। सो वीडियो को धीरे धीरे चला चला कर बार बार रोक रोक कर आप स्टेप्स लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। तो एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचो और OX, उस एक रेखाखंड OX बराबर 6 सेंटीमीटर खींचो, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचो जो कि OX से गुजरता हो, पास करता हो या OX को काटता हो। तो इससे हमारे पास ये वृत्त आ गया। अब आप इसके आगे लिखोगे केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लो और OP को मिलाओ। अगला स्टेप होगा OP का लंब समद्विभाजक बनाओ जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो। इससे हमें M बिंदु मिल गया। अगला स्टेप क्या लिखोगे, M को केंद्र मानकर MO के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाओ जो कि P
पी बिंदु से भी होकर गुजरता हो। यह नया वृत्त पहले वाले वृत्त को, ये अगला स्टेप है बेटा, यह नया वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, उन्हें ए और बी लिखो। अगला स्टेप होगा पी ए और पी बी को मिलाओ। अगला स्टेप होगा पी ए और पी बी पहले वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सॉरी, पहला काम हो गया। दूसरा काम था पी ए और पी बी को मापो, आगे उनकी आपने लंबाई लिख देनी है। AP बराबर 8.1 सेंटीमीटर, BP बराबर 8.1 सेंटीमीटर। तो ये है इसके स्टेप्स। अगले प्रश्न, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो बच्चों, मैं आपको पहले रफ करके दिखा देता हूं कि इस प्रश्न में हमें असल में करना क्या है। देखिए बच्चों, हमें इस प्रकार से एक वृत्त दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इस पर हमें कोई दो स्पर्श रेखाएं ऐसी खींचनी है इस प्रकार से कि इनका आपस का जो कोण है यह 60 डिग्री हो। यह 60 डिग्री है। तो हम इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, यदि ये केंद्र है वृत्त का तो इसको इस प्रकार से, यहां हमें पता है स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसी प्रकार ये 90 होगा। ऐसे ये स्पर्श रेखा है और यह त्रिज्या है तो ये भी 90 होगा। अब आप ये चतुर्भुज देखिए, ये वाला ये चतुर्भुज जो है ये इसको देखेगा, इस चतुर्भुज में एक कोण, दो कोण, तीन कोण और ये है चौथा कोण। यदि ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 कितना आ गया, 180। 180 और 60 कितना आ गया, 240। 240। अगर चारों कोणों का योग 360 हो, तीन कोणों का योग 240 है, तो चौथे कोण का योग कितना होगा, 360 में से इन तीनों का योग यानी कि 240 माइनस कर देंगे, तो 360 में से 240 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 120 डिग्री। इसका मतलब ये जो बीच वाला कोण है यह 120 डिग्री है। अब हमें इसमें करना कैसे है, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद इसकी दो त्रिज्याएं बनाएंगे जिनका आपस में बीच का कोण 120 डिग्री होगा, दोनों से 90 डिग्री बना देंगे, जहां वो मिलेगा वह बाह्य बिंदु होगा। इस प्रकार से ये दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी। आइए हम इसे करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें वृत्त की त्रिज्या खींचनी है 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं यह इसका केंद्र होगा इस प्रकार से, तो यह वृत्त की त्रिज्या आ गई है 5 सेंटीमीटर की। यह वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, इसको पॉइंट ए बी सी कुछ भी हम मान लेते हैं। अब हम इस वृत्त पर, इस त्रिज्या पर वृत्त खींचेंगे, तो इसको केंद्र माना है, जितनी ये त्रिज्या है इतनी कंपास खोलने के बाद, प्रकार खोलने के बाद ये हमने इस पर वृत्त बनाया है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहां पर इस त्रिज्या के साथ 120 डिग्री का एक कोण बनाना है, तो उसके लिए हम डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए डी में, इस पर मैं इस तरफ को बनाना चाहता हूं क्योंकि यहां को मेरे पास जगह है सारा प्रश्न या सारा रचना करने के लिए, तो मैं इधर को, देखिए हम इस पेपर को उल्टा घुमाते हैं ताकि आपको देखना आसान रहे। ये डी को मैं इस लाइन के हिसाब से रखूंगा, बिल्कुल लाइन के साथ लाइन मिलाकर ये आ गया 0 डिग्री।
शून्य डिग्री के हिसाब से 10, 20, 30, 40 करते 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 ये आएगा 120 डिग्री यहाँ पर। तो इसे 120 डिग्री पर हम एक निशान लगा लेते हैं ये, और इसे केंद्र के साथ ज्वाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये दो त्रिज्याओं के बीच में यह जो कोण आया है यह 120 डिग्री का आया है। अब हमने क्या किया था बच्चों, 120 डिग्री इन त्रिज्याओं से 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री खींच देंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं प्रकार लूंगा और इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। आप जानते हैं प्रकार से 90 डिग्री का कोण खींचना, छोटी से छोटी त्रिज्या लेकर और एक चाप, इतनी ही त्रिज्या के साथ यहां से एक चाप जहां ये मिल रहा है उस बिंदु से एक और चाप, और एक चाप इधर ऊपर और इस बिंदु से एक चाप इधर ऊपर, जहां ये दोनों चापें मिल रही हैं इस केंद्र से इसे हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे हम डॉटेड के बजाय चलो सीधी रेखा ही ले लेते हैं, ये आ गई सीधी रेखा। इसी प्रकार से बच्चों इस बिंदु पर भी हम 90 डिग्री लेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं और फिर से वैसे ही प्रकार की मदद से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां पर प्रकार रखी और थोड़ी सी प्रकार खोलकर और एक चाप, इसके बाद यहां से रखकर एक चाप और इस बिंदु पर रखकर एक और चाप, और यहां से ऊपर की तरफ और यहां से भी ऊपर की तरफ, ये आपस में नहीं मिली तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। जहां ये मिल रही है इसे हम फुट्टे की मदद से बच्चों इस बिंदु से इस चाप को आगे की तरफ, जहां ये मिल रहा है इन्हें आपस में आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए ये आगे जाकर यह वाली 90 डिग्री का कोण और ये वाला 90 डिग्री का कोण इस बिंदु पर मिल रहे हैं। मान लेते हैं इस बिंदु को P, तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं B, तो PA और PB ये दो इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं हैं, और यदि हम चाहें तो D से माप भी सकते हैं, इनके बीच का जो कोण है वह 60 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए बच्चों जब हम D यहां रखेंगे ठीक है, तो ये 60 डिग्री ही आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी जो रचना है वह ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण आया है। तो देखा बच्चों इस प्रकार से हमने इस रचना के माध्यम से इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की बनाई हैं जो आपस में 60 डिग्री पर झुकी हुई हैं। अब यदि आपको इस रचना के स्टेप्स लिखने हो तो क्या लिखोगे बच्चों, सबसे पहले एक रेखाखंड OA बराबर 5 सेंटीमीटर बनाया जो कि वृत्त की त्रिज्या थी, उसके बाद O को केंद्र मानकर OA को त्रिज्या मानकर हमने एक वृत्त बनाया, इसके पश्चात हमने O पर कोण AOB 60 डिग्री बनाया, सॉरी 120 डिग्री बनाया, और जहां पर वह वृत्त को टच कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था कोण, उसे बिंदु B माना। अब बिंदु A और बिंदु B पर हमने 90 डिग्री के कोण बनाए, जहां पर ये दोनों कोण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे थे उस बिंदु का नाम लिया P। तो बिंदु P पर जो कोण बनेगा कोण APB, कोण ए पी बी, यह 60 डिग्री हमने डी के साथ मेजर करके चेक भी किया है। तो ये है इस रचना के सारे स्टेप्स। तो बच्चों ये था क्लास 10 मैथ्स क्रैश कोर्स में 11वां अध्याय जो कि है रचनाएं। आशा करता हूँ
इस वीडियो के माध्यम से आपने रचनाओं को करना बहुत अच्छे से सीखा होगा। धन्यवाद।